सबसे कमजोर कलाकार जाति होता है, जिसको मन कर रहा है कोई छत पर से गाली दे दे रहा है, कोई रूम में बंद होकर गाली दे दे रहा है, कोई कहीं गाली दे दे रहा है। हाँ, दिन रात आदमी जग के मेहनत करता है, गाना लिखता है, गाना बनाता है, तुरंत आप विरोध कर दे, तुरंत आप बोल देते हैं कि ये गाना हिट है, फ्लॉप है, ये अश्लील है, ये साफ सुथरा है, 200 मिलियन तार दादा सुनने बड़े हैं, हाँ कि फ्लॉप है, हिट है। एक कलाकार इंटरटेनर होता है, भोजपुरी भाषा ही हमारी मनोरंजन की भाषा है, 2 अर्थी गाने आते हैं, इसमें कोई गाना अश्लील नहीं होता है। जितना शादी विवाह में बजता है, सबसे ज़्यादा बजने वाला इसी लड़के का लिखा हुआ गाना है, अगर गंदा गाना होता तो इतना नहीं बजता। ये भोजपुरी एक मनोरंजन का चीज़ है, ये म्यूजिकल चीज़ है, इसको हम किसी के पर्सनली ज़िंदगी पे गाया जाता है जी, लेकिन लोग बोल रहे हैं तो ठीक है। भैया एक और सवाल है कि जहाँ एकता नजर आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले से ज्यादा जी, वहीं उसी में से एक सिंगर है जी, पुनीता प्रिया जी, वो एक दिन पहले वैसा गाना आता है उन्हीं फेक पत्रकारों के ऊपर जी, मनीष कश्यप को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो उसमें पत्रकार इन्वॉल्व नजर आते हैं जी, वही लोग है जो टॉर्चर करते हैं, तो उनको लेकर के उन्होंने गाना निकाला, इस पर अखिलेश कश्यप जी की क्या? हो सकता है वो पहले रिकॉर्ड की हो या पहले का गाना बना हो, हमारे भोजपुरी कलाकारों में सब में एकता है। और रही मनीष कश्यप की बात, तो मनीष जी हमारे बड़े भाई हैं और उनका मैं सपोर्ट करता हूं, मैं उनका फ़ैन हूं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संदेश नहीं दे रहा है कहीं ना कहीं एक तरफ, नहीं तो वो बात किया जाएगा, गाना को बंद करा दिया जाएगा अगर वैसा होगा। आपसे है खबर निकल कर ये भी आ रही है कि मैक्स हॉस्पिटल ने इलाज में जितने भी रुपये खर्च हुई अभी तक वो 1 रुपये की मांग नहीं कर रही है, साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जितने भी लोग काफ़ी सपोर्ट में भी आ रहे हैं, तो क्या सर ये सच है जो दर्शक जानना चाहते हैं कि मैक्स हॉस्पिटल अभी स्टाफ छवि दिखा रही है, हर कलाकार का पूरा सपोर्ट करिए और 1 रुपये की मांग नहीं करिए? कलाकार के लिए हमेशा खड़ा है मैक्स हॉस्पिटल। जो पैसे की बात कही जा रही है कि फ्री में इलाज चल रहा है, वो जेन्युइन है क्या, लोगों को बताइए सर जी। बिल्कुल, जब आपके मुंह से सुनेंगे तभी यकीन होगा जी। उसके परिजन से पूछ लीजिए ये बात को उसके परिजन ने बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो मैं तो अपने आप को बड़ा करूंगा उसमें। उनके परिजन है, उनसे परिजन से बात कीजिए, उनका छोटा भाई यहाँ पे। सवाल, लाखों लोगों की दुआएं काम आई है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सारे लोगों की दुआएं काम आई है, क्या कहना चाहेंगे उनकी फैमिली को और साथ ही उनके लाखों जाने वाले उनके हमारा आर्यन भाई के, अगर वह अपने माई बाबू के बेटा नहीं कहना, जितना कलाकार बनी जा सब भाई हैं जा, और सबको ही खड़ा बा, चाहे वो राइटर हो, सिंगर हो, वीडियो डायरेक्टर हो, एक कोरस करने वाला हो, जो भी कलाकार है, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा है, आज सब लोग एक पैर पे खड़े हैं और हमारे भोजपुरी में यही एकता होनी चाहिए। और आज हम लोग को ये दिखा कि हमारे हम लोग सारे कलाकार आज एक हैं, और तब आज हमारा भाई हम लोगों के जो विरोध करने का तरीके हैं वो बदल गए और मीडिया के विरोध में अब हम लोग ही बोलने लगे। जो आके कुछ दिन पहले हमारा इंटरव्यू लेते थे, आज वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, आज वो लोग वीडियो डिलीट करने लगे, क्योंकि वो लोग गलत थे। और आज जब हम लोगों की एकता इतना दिखी है, तो ऐसे कितने लोग दूर जाएंगे हमारे भोजपुरी से, वो समय बताएगा। तो हम लोगों की एकता बहुत जरूरी है और हमारा भोजपुरी एक परिवार है, हम लोग एक होकर रहेंगे।